आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं Samsung Galaxy A04e स्मार्टफोन, इसका कैमरा और इसकी बैटरी की और सारी यहाँ पे जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चले इस बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो यहाँ से हम कुछ इस तरह से इसको कट कर देंगे और उसके बाद में कट करने के बाद में हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का लुक यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा Samsung Galaxy स्मार्टफोन का। तो चले इसको हम बाहर ले आते हैं और बाहर ले आने के बाद में कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे इस मोबाइल का फ्रंट और बैक साइड दोनों कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही प्यारा सेट आपको यहाँ पे लगेगा। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो आप ख़रीद सकते हो। इसके साथ में एक USB केबल मिलती है और USB केबल के साथ में यहाँ पे आपको एक प्यारा सा एडाप्टर देखने के लिए मिल जाता है। तो ये कुछ रहता है, बाकी इसके साथ में जो कि एक एयरफोन आता है वो यहाँ पे नहीं मिलता है, यानी कि किसी भी स्मार्टफोन के साथ में कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं मिलती है। तो ये यहाँ पे मैनुअल कार्ड है, चलो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हम बात करते हैं इस स्मार्टफोन के बैटरी की। तो बैटरी इसकी 5000 mAh बैटरी है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। 16.55 सेंटीमीटर HD प्लस इसका डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा। डुअल कैमरा इसका दिया गया है और 13 MP इसका बैक कैमरा दिया गया है, 2 MP इसका रियर कैमरा है। और इसके अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो 5 MP इसका फ्रंट कैमरा दिया गया है। और इसके अगर प्राइस की बात करें तो 10,500 रुपये इसका प्राइस होता है। तो अभी हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आई एग्री के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे एग्री के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हम एग्री के ऊपर क्लिक कर देंगे और उसके बाद में यहाँ पे कुछ सेटिंग होती है, जैसे कि स्किप हमें करते जाना है, यहाँ पे भी हमें स्किप करना है और यहाँ पे भी हमें कुछ सेटिंग नहीं करना है, बस सिर्फ हमें यहाँ पे स्किप करते जाना है। जैसे ही हम यहाँ पे स्किप कर देंगे और उसके बाद में कुछ इस तरह से हमें इस पे एसेट के ऊपर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही हम यहाँ पे एसेट के ऊपर क्लिक करेंगे फिर से हमें यहाँ पे दिख जाएगा स्किप का ऑप्शन, हमें यहाँ पे स्किप के ऊपर क्लिक करके स्किप एनीवे के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको कुछ इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इसको चालू होने देते हैं, फिर देखते हैं कि हमें आगे क्या करना है, कौन सा यहाँ पे मैसेज आता है। तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और जैसे हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे भी आपको स्किप ही करना होता है, यहाँ पे भी आपको स्किप करना होता है और फिर हम यहाँ पे एग्री के ऊपर क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पे जो भी आप अपना मोड सेट करना चाहते हो सेट कर दीजिएगा और उसके बाद में जो हमारा स्मार्टफोन है वो यहाँ पे खुल जाएगा प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे खुल जाएगा। अब यहाँ पे एग्री के ऊपर क्लिक करना है, इस तरीके से एग्री के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। देख सकते हैं स्मार्टफोन पूरी तरीके से यहाँ पे खुल चुका है, कुछ डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन इसके अंदर रहते हैं, बाकी जो ज़रूरत ना हो तो आप उनको अनइंस्टॉल कर दीजिए और जो आपको ज़रूरत हो जैसे कि फेसबुक है, फेसबुक इसके साथ में रहता है, स्पॉटिफाई आता है इसी के साथ में, आप चाहो तो इसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। फ़ोन पे आपको ज़रूरत पड़ेगी आप इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत ही प्यारा सा सेट है। अगर इसको आप लेना चाहो तो आप ऑनलाइन या फिर दुकान से परचेस कर सकते हो।